से पूछना, काका आप तो अपने वालिदैन का इतना अदब करते हैं, हमारे लिए क्या हुआ? आप मुस्लिम बुले अरुण जी वास्ते बहुत सुहाना। आप तो अपने वालिदैन का इतना अदब करते हैं, हमारे लिए क्या हुआ? आप सुन सरकार का फरमान, फरमाया सुन लो मां में हमारा दिल बारे यंजुरु इला वालिदैही इल्ला नजर रहमत कतब अल्लाह लहू बिकुल नजरत अज्जतम मबरूरा। जो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ, अपने अम्मी जी के चेहरे की तरफ, अपने बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखे, मोहब्बत की निगाह से सिर्फ देखे देखे, अभी खिदमत नहीं की, अभी कदम नहीं दबाए, अभी जो है उनके कदम नहीं दबाए, अभी उन्हें दुआई नहीं ली थी, अभी उनके कमरे में एसी नहीं लगवाई, अभी हीटर का बंदोबस्त नहीं दिया, अभी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, नहीं नजर पड़ी बाप के चेहरे पर, नजर पड़ी माँ के चेहरे पर, कभी इजहार नहीं किया, दिल में प्यार आया, ये मेरे अम्मी जी हैं, ये मेरे अब्बा जी हैं, ये भी नहीं अम्मी अब्बा को बहुत बड़ा वली या वलिया हो, बेटा को बहुत बड़ा शेख और हदीस हो, नहीं रेड़ी लगाने वाला बाप, रेड़ी लगाने वाला बाप, और आप भी कारखाने में काम करने वाला, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का बटन अपने गले में रखने वाला, तो अपने कमरे से निकला तो बाप के चेहरे पे निगाह पड़ी, अभी वुजू नहीं किया, अभी गुस्ल नहीं किया, अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी कुरान नहीं पढ़ा, कमरे का दरवाजा खोला, शहर में आया, आगे पूरा बाबा था, पहली निगाह पड़ी, दिल में प्यार पैदा हुआ, इजहार नहीं किया, सिर्फ प्यार रखा, ये मेरे अब्बा जी हैं। मेरे नबी ने फरमाया ना घबरा, ये जो सीने में प्यार आया है इसके सदके अल्लाह तुम्हें मकबूल आज का सवाब अता फरमाएगा। आज मकबूल आज का सवाब, सहाबा का मजमा सारा मजल में आगे सहाबा का सुभान अल्लाह। अरे होने हाथ बांध ले, आका बताओ बैन कान, बैन कान कुल मर, आका इतना बताओ बैन कान मेरा नाम मेरा। एक दिन में 100 मर्तबा देखे, मैंने ऊंची बात से कहो सुभान, 100 मर्तबा देखे माँ के चेहरे को, बाप के चेहरे। अब अब्बा जी को कुछ नहीं समझते, माँ को समझते इसके कदमों के नीचे जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सच है सच। और जन्नत से कहाँ से गुजरते हैं, दरवाजे कहाँ से गुजरते हैं? जामे तिर्मिजी उठाकर देखो, जामे तिर्मिजी में मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जामे तिर्मिजी शरीफ के अंदर अल वालिद औसत अबवाबिल जन्ना फैन शेखा वादे जालिद अल बाप। अबे कसम, फरमाया जो बंदा चाहता है मुझे हसन को प्रोटोकॉल मिले, और प्रोटोकॉल क्या, मुझे जन्नत के सबसे सेंट्रल गेट, सबसे बड़े गेट से गुजारा जाए, उसके दामन में नेकी क्या होनी चाहिए, आपका नमाज होनी चाहिए, आपका रोजा होना चाहिए, आपका हज होना चाहिए, आपका जो है ज़कात होनी चाहिए। फरमाया नहीं, इन नहीं इस नेकी की वजह से बड़े दरवाजे से तुम्हारा गुजर नहीं होगा, ना नमाज से, ना रोजे से, ना हज से, ना ज़कात से, ना सलावत से, ना सदकात से, आपका क्या फरमाया बस अपने बाप को राजी करो, इसका बाप राजी होगा, वो जन्नत के बड़े दरवाजे से गुजरेगा। बड़े दरवाजे बाप राजी हुआ तो जन्नत के बड़े दरवाजे से गुजरेगा। जन्नत के मुझे एक और फरमान, रिदार रब फिर रिदार वालिद व सखत रब फिर सखत वालिद। उनकी बात सुनो, सुभान अल्लाह, रब को मनाने के लिए ढूंढते हैं पीरों को, रब को मनाने के लिए ढूंढते हैं वलियों को, ढूंढना चाहिए, लेकिन ये तेरे घर में भी एक गेट मौजूद है, जो राजी हो गया तो अरशों वाला रब राजी हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे साहबा कोई जानना चाहता है कि उस पे अल्लाह राजी है कि नहीं, आपका कौन नहीं जानना चाहता, लेकिन अल्लाह कहा हम कहा, वो दुनिया में तो नजर ही नहीं आता। फरमाया मैं बताता हूँ तुम्हें तरीका, जो लगाएगा उस
उसे पता चल जाएगा कि मेरा रब मेरे ऊपर राजी है या नाराज है। आपका किस तरह प्रमाणिदर रब पीड़िदर भाई बसका तो रब बसका दिल भाई प्रमाय तो देखना चाहता है मेरा रब नाराज है क्या मेरा रब राजी है। वो अपने पाप को देखे, अगर उसमें पाप